ये स्पोर्ट्स को मद्देनजर में रखते हुए ये सारी फैसिलिटीज बनाई गई हैं। पर इंटरनेशनल इंडिया के प्लेयर यहाँ आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके अलावा जो इंटरनेशनल नहीं खेले आईपीएल जरूर खेलते हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं। हमारे आउटडोर जो अपने ग्राउंड देखे क्रिकेट वहाँ पे वो आउटडोर प्रैक्टिस करते हैं, उसमें चैंपियंस तैयार करने हैं, क्योंकि हमें निकालना है, गोल्ड चाहिए इंडिया के लिए, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल में हो, एशियन गेम्स में हो, चाहे वो ओलंपिक लेवल में हो, हमारा ये एम है। टैलेंटेड एथलीट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, अपने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में लाते हैं और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो हम उनका फिटनेस से लेकर उनका फूड से लेकर स्टे और स्किल ट्रेनिंग वो सारा एक ही सेंटर में प्रोवाइड किया जाता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक बार फिर से हमारे साथ एजाज अहमद मौजूद हैं और ये आपको सिर्फ जिन फैसिलिटीज़ के बारे में बात हुई थी वो सारी अब हम टूर करके दिखाएंगे। और ये जो है इनका एंट्रेंस गेट है, यहाँ पर सारी जो है कॉन्टैक्ट नंबर और इसके साथ साथ पूरा एरिया जो है वो दिखाया गया है। यहाँ पर जो दरबारीपुर जो है ये यहाँ का एरिया है, सेक्टर 70, आप बताइए इसके बारे में विस्तार से। ये सेक्टर 70 में हमारे पास करीब 16 एकड़ की जगह है, तो 16 एकड़ में हमने जितनी भी फैसिलिटी, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। ये हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे बैठते हैं शाम को, ये गर्मी में ना बैठते हैं, या यहाँ पे हमने कभी टेबल भी लगाते हैं, कॉफ़ी वॉफी पीने लगते हैं। तो यहाँ से हमारी फैसिलिटी, ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है पहले हमारा, जहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स रैप जो भी है यहाँ पे होता है, ये और ये दो जगह है हमारी। सो उसके बाद मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए, दिस इज़ द फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है ये हमारा। सो ये स्पोर्ट्स यहाँ पे फिजियोथेरेपी है, हाँ जी, ये ट्रीटमेंट के लिए ये जगह है यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ है, हमारी मशीनें हैं, यहाँ पे हाइड्रोथेरेपी पोल है, यहाँ पे आइस बात होता है, यहाँ पे ये चीज़ें सारी है। ये हमारा पहला है, दिस इज कंसल्टेशन रूम है हमारा, जहाँ पे कंसल्टेशन करते हैं पेशेंट को वगैरह। उसके बाद हम ये बाकी हमारे सेम है रूम्स हैं जिन पे हम ये सेम आप जैसे देखेंगे ये जैसे यहाँ जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, तो सेम बाकी आपके ऐसे ही रूम मिलेंगे आपको। ये और उसके आइस बात की जो जी वो ये है, मैं आपको दिखाऊंगा, ये सेम रूम है। अब ये है हमारे पास जो फैसिलिटी है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था अभी, वो ये है, दिस इज हाइड्रोथेरेपी, जिसमें हम रिहैब कराते हैं, जिससे किसी को घुटने में ACL इंजरी होती है उसकी, फिर सर्जरी होती है, उसके बाद उसको रिकवरी के लिए बहुत जल्दी हो जाती है उसमें, या उसके अलावा भी कुछ न्यूरो पेशेंट्स होते हैं उनको कराते हैं हम इसमें। उसके अलावा भी कुछ स्पोर्ट्स रिहैब होते हैं जिनको इसमें, मतलब ये क्या है एक्चुअली, जहाँ हमें एक साल लगना है हम उसी चीज़ को कम कराएंगे, उसी ट्रीटमेंट को बहुत कम टाइम में पूरा कराएंगे। और ये हमारी फैसिलिटीज़ आप देख रहे हैं, दिस इज़ क्रायोथेरेपी, ये -40 होता है, ये मशीन ये जर्मनी से हमने मंगाई है। एंड दिस इज़ ESWT एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव थेरेपी। उसके बाद ये है, दिस इज़ वायरलेस प्रोफेशनल, इसमें क्या है कि तार वार नहीं होती, हमने एथलीट को लगाया और रिमोट अपने एक हाथ में, ये एक छोटा सा रिमोट है, ये मैं अपने हाथ में रखता हूँ, एंड वी हम उसके बाद कंट्रोल करते हैं उसकी सारी मूवमेंट्स और वो एक्टिविटी करता रहता है। सो उसके बाद दिस इज़ कॉल्ड SIS सुपर इंडक्टिव सिस्टम, ये एक हाई एंड इक्विपमेंट है, 2.5 टेस्ला है ये, जो हमने बाहर से ये फैसिलिटी भी मंगाई है। सो ये नॉर्मली बाहर जो फीफा वर्ल्ड के लोग हैं वो यूज़ करते हैं इसको यूरोप में, तो सेम है ये, एंड दिस कॉल्ड टका टारगेटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड शॉक वेव है इसमें। तो क्या आप जो है हर क्रिटिकल सिचुएशन, बहुत बार ऐसा होता है ICU पेशेंट को भी फिजियो की जरूरत पड़ती है, तो क्या हर क्रिटिकल सिचुएशन को भी हैंडल करते हैं या सिर्फ नॉर्मल जो होते हैं या स्पोर्ट्स के होते हैं? नहीं नहीं, हम सारे पेशेंट्स को यहाँ पे कैटर कर सकते हैं, बट ICU पेशेंट जो होते हैं वो यहाँ पे नहीं रह सकते, उनको ICU में ही हमें हॉस्पिटल में ही ट्रीट करना पड़ता है, जैसे उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, मूवमेंट उनके इतने होते नहीं है। तो हाँ जी, जी मेरी है, इसका बाहर से भी एंट्री है, यहाँ से भी एंट्री है हमारा, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। सो उन पेशेंटों को हमें क्या है, हॉस्पिटल में ही ट्रीट करना पड़ता है जो ICU में होते हैं, उनको पोस्चरल ड्रेनेज बोलते हैं हम उस चीज़ को, पोस्चर से रिलेटेड जो, मतलब उनको क्या है बलगम बच जाता है या कुछ थूक जमा होती है, चेस्ट इन्फेक्शन होता है, तो उसको हम ट्रीट करते हैं। CA अब हम, ये हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, ये दिस इज़ कॉल्ड कर्व ट्रेडमिल, ये एथलीट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये नॉर्मल लोग नहीं ज़्यादा यूज़ करते हैं,
ये नॉर्मल भी कर सकते हैं, एथलीट भी कर सकते हैं ये वाली मशीन यूज़। सो हमने जितना भी, जैसे एथलीट्स को क्या है, ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत नहीं होती, उनको फ्री वेट से करना होता है, तो जैसे क्रॉसफिट ट्रेनिंग जैसे करनी हो वो वैसा यूज़ करते हैं। तो ये हमारा राइट साइड में आप देखेंगे क्रॉसफिट के चीज़ें रखी हुई हैं, और अभी आधी हमने खोली भी नहीं है, बिकॉज़ ये एक दो दिन ही अभी शुरू हो गए हो इसको, तो यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ आएंगी। सो ये मशीनें जितनी भी है यहाँ पर जो है, जिम की अगर बात करें तो सिर्फ स्पोर्ट्स के वालों के लिए है, या बाहर से भी अगर कोई सिर्फ ऐसे जिम के लिए आ रहा हो, ट्रीटमेंट नहीं करानी हो, उनके लिए भी पैकेज है, सब कुछ है? नहीं नहीं, वो भी आ सकते हैं, बिल्कुल वो भी आ सकते हैं, बट हम उनको बेटर ट्रेनिंग करा सकते हैं, बिकॉज हम यहाँ नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं कराएंगे। हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग होती है वो क्या होता है कि आपको हम नज़र रखते हुए कराते हैं कि इसको कोई इंजरी है, कुछ है, कि इसको इंजरी ना हो, उस हिसाब से ट्रेनिंग कराएंगे। तो नॉर्मल भी आ सकते हैं, एथलीट भी आते हैं यहाँ पे। जैसे ये देखिए, ये हमारे एकेडमी के है एथलीट है यहाँ पे अभी जो कर रहे हैं, ये क्रिकेटर है हमारे, बहुत अच्छे एथलीट है क्रिकेटर है हमारे, अभी इनकी आज ट्रेनिंग सेशन है हमारे SNC के साथ चल रहा है इनका अभी। हाँ, अच्छा एक चीज़ ये रहती है, महिलाओं की अगर बात करें तो बहुत बार डिस्कम्फर्ट की बात होती है, बहुत जगह पे जाने से वो परहेज़ करती है क्योंकि डिस्कम्फर्ट वाली चीज़ें आ जाती हैं, उन सारी चीज़ों के लिए आपने क्या कुछ व्यवस्था? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने सबसे पहली चीज़ क्या किया कि कैमरा एक्स्ट्रा लगवाए, जहाँ मुझे 4 कैमरा की रिक्वायरमेंट थी मैंने 8 कैमरा लगवाए, तो मेक श्योर कि सब डर जाए कि यहाँ कैमरा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता है। सेकेंड थिंग, हमने यहाँ पे प्रॉपर उसके लिए एक अलग से गार्ड रखे हैं, अगर हमें कुछ ऐसा इशू लगता है हमारे पास वो गार्ड है, वो उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे गार्ड रखे हैं, प्रॉपर स्टाफ रखा है जो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है, और यहाँ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अगेंस्ट वुमेन, अगर ऐसा कुछ होता है या बाई चांस हमारे स्टाफ से, हमारी पॉलिसी में हमारे स्टाफ के साथ पहले से साइन किया है, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कि अगर हमारे स्टाफ को किसी ने कंप्लेंट किया हमारे स्टाफ के अगेंस्ट या कुछ, तो हम ऑन स्पॉट उसको फायर करेंगे, पूरी सुरक्षा की व्यवस्था। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमेशा प्रायोरिटी पे है, और हम हमेशा, बिकॉज हम चाहते हैं वो आए स्पोर्ट्स में, महिला आगे बढ़े, तो हमने वो चीज़ का बहुत ध्यान रखा। हमारे पास जो फैसिलिटी भी है हॉस्टल की, हमने लड़कों का जो हमारे पास मेल है उनका अलग रखा है, जो फीमेल का है उनको अलग रखा है, बीच में हाफ एन किलोमीटर का डिस्टेंस रखा है हमने मेल और फीमेल के रहने में भी, सो दैट कि ये चीज़ में हमने नज़र में की कि नज़दीक ना हो कि फिर शाम को ये बच्चे बैठते आपस में बातें करते हैं, हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। गार्ड हमने प्लेग्राउंड भी है आपके? जी जी बिल्कुल, हमारे पास प्लेग्राउंड है। हाँ। ये तो आपने देखा, ये हमारी फैसिलिटी। हाँ। उसके अलावा मैं आपको और फैसिलिटी बाहर दिखाऊंगा कि हमारे पास क्या क्या है। हाँ। तो ये बाहर का एक एरिया मैं आपको दिखाऊंगा, बच्चे भी बैठे भी होंगे बाहर अभी यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको। हमारे पास देखिए, हमने स्पेशली चेंजिंग रूम के हमारे पास वॉशरूम में है, बट हमने मेक श्योर किया कि हमने महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पे चेंजिंग रूम भी बनाए हैं। हाँ। क्योंकि यहाँ पे हमारी नज़र भी रहती है, यहाँ से कंफर्टेबली चेंज कर सकते हैं। हाँ। तो इसलिए हमने 2 चेंजिंग रूम उनके लिए बनाए, और हाँ। उनके प्रॉपर यहाँ पे जैसे सामान हो कुछ हो, उसका लॉकर है प्रॉपर यहाँ पे, जिसमें चाबी रहती है, प्रॉपर लॉकर बनाए यहीं पर। एक तो है ही हमारे वॉशरूम में अलग से, जहाँ पर हमारा स्टीम है, सोना है, प्लस वॉशरूम है, आइस बात कर सकते हैं। हाँ जी, वहाँ पर अलग है, यहाँ पे हमने अलग रखा है, इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए कि पूरी सुरक्षा दे हम उनको, क्योंकि हम जब प्रमोट करें तो उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, बात करते हुए ये भी जानेंगे कि डॉक्टर्स की एक्सपीरियंस क्या है, आपके पास जो डॉक्टर्स हैं उनकी क्या कुछ एक्सपीरियंस है, कहाँ से आपने बुलाए, और उन सारी, क्योंकि थोड़ा सा लोग डॉक्टर पे भी जानना चाहते हैं कि जिनसे वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो भरोसे लायक है। जी एग्जैक्टली, जब हमने यहाँ इंटरव्यू करना था तो हमने क्या किया, अराउंड हमारे पास 350-400 CV आए थे, तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल हुआ था हमें कि चूज़ करना है कैसे करें। पहले हमने शॉर्ट सिलेक्शन की CV पे, फिर CV के शॉर्ट सिलेक्शन के बाद हमने फिर एक टेलीफोनिक इंटरव्यू कराया सबसे। टेलीफोनिक इंटरव्यू के बाद फिर जो हमने सिलेक्ट किए उनके बाद हमने थर्ड राउंड में उनको बुलाया, हमने देखा इनका स्किल कैसे, मैनुअल कैसा है, इनका बोलने का तरीका कैसा है, क्या ये डील कर सकते हैं सिचुएशन। तो उसमें हमने जो शॉर्ट लिस्ट किया है उनमें से हमने फिजियोज चुने हैं। हाँ, जो हमारे SNC हैं, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोच है, फिजियोज हैं, वो हमने उनसे चुने हैं वो चीज़ें।
ये ग्राउंड के बारे में कुछ बताएं। देखिए ये हमारे यहाँ बच्चे बैठने के लिए होते हैं। हाँ। यहाँ हमारे शाम को बच्चे आते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो हमारा ये टैकांडो का हॉस्टल है जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, बड़ा सा है। हाँ। यहाँ पे मोस्टली हमारी जो है फीमेल एथलीट्स रहती है ज़्यादा। सो फिर ये हमारा अंदर जो दूसरा है ये इंडोर स्टेडियम है, इसमें आप क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं। इंटरनेशनल प्लेयर भी बड़े बड़े आते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। Okay. नहीं ये तो वॉशरूम है राइट साइड में, तो हाँ, ये जो आगे है जी जी ये वॉशरूम्स है। हाँ, जो अलग है, लेडीज का अलग है, जेंट्स का अलग है। हाँ, ये अलग है। उसके अलावा आप देखिए ये जगह है जो यहाँ पे दिख रही है आपको, ये फैसिलिटी दिख रही है, आउटडोर एक्टिविटीज होती है इस पे सारी। ये हमने बनाया है एथलीट्स जो स्प्रिंटिंग करते हैं, रनिंग करते हैं आउटडोर में, तो ये उनके हिसाब से बनाया है। और ये राइट साइड में आप ये चीज़ जो देख रहे हैं, मैं खुलवाता हूँ इसको, आप देखिएगा तो फिर आप देखिए फैसिलिटी भी देखिए जी। ये देखिए जो ये हमारा इंडोर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इंडोर फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे क्या है, जो हमारे प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ बड़े बड़े IPL इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं इंडिया के, जो प्रैक्टिस करते हैं इस वाले नेट्स में। ये अच्छा, इसमें क्या है, अलग अलग नेट्स है, इसमें 7 नेट्स है, तो इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, इसको सारे नेट्स हम हिला सकते हैं। और इसको एक छोटा मिनी ग्राउंड भी बनाते हैं, इसमें कॉर्पोरेट लोग भी आते हैं कभी कई बार, वो भी क्रिकेट खेलते हैं। जैसे ये कॉर्पोरेट प्लेयर्स होते हैं तो ये ऐसे लोग आते हैं खेलने के लिए यहाँ पे। तो ये हमेशा चलता ही रहता है यहाँ पे हमारा। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि कभी हमारा जुम्बा सेशन हुआ, योगा सेशन हुआ यहाँ पे होता है, या कोई ऐसी ट्रेनिंग सेशन हो यहाँ हो, या हम यहाँ पे मैट डालते हैं तो बॉक्सिंग रिंग बना सकते हैं, या MMA फाइटिंग रिंग भी बनाते हैं, तो वो हमारे पास फैसिलिटी है। इस जगह को हम मल्टीपल गेम के लिए यूज़ किया जाता है इस चीज़ को यहाँ पे, तो इसको हम बहुत ज़्यादा हमारे पास फ़ायदा होता है। तो ये सारी फैसिलिटी आप जो देख रहे हैं, और इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें गर्मी फील होती नहीं है नॉर्मली लोगों को। बहुत प्लेयर्स भी यहाँ पे खेल चुके हैं जी, आपने बताया नाम। जी 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 हाँ। प्लेयर यहाँ पे जैसे यहाँ पे ना इंटरनेशनल आए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं कि कौन प्लेयर, पर इंटरनेशनल इंडिया के प्लेयर यहाँ आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा जो इंटरनेशनल नहीं खेले, IPL ज़रूर खेलते हैं वो लोग, यहाँ पे आते हैं हमारे आउटडोर जो अपने ग्राउंड देखे क्रिकेट वहाँ पे वो आउटडोर प्रैक्टिस करते हैं, उसमें भी ओपन नेट्स करते हैं, इसमें भी प्रैक्टिस करने आते हैं। तो यहाँ आते हैं मतलब अच्छे खासे इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर को पता है इस जगह का, वो आते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने, क्योंकि उनको यहाँ वो क्वालिटी मिलती है, वो सब चीज़ें मिलती हैं। हम उनको नेट बॉलर अवेलेबल कराते हैं जो 140-145 की स्पीड से यहाँ फेंकते हैं, जो बट वो करियर बनाना चाहता है, वो प्रोफेशनल यहाँ पे ट्रेन होते हैं, वो उनको यहाँ अवेलेबल कराते हैं, वो प्लेयर वो यहाँ पे इनको प्रैक्टिस कराते हैं। तो ये फैसिलिटी जो आपने आपको सारा दिखाया, मैंने जैसे फिर से आपको बोल रहा हूँ, ये 14-15 एकड़ से लेके 20 एकड़ तक जगह है, जैसे फुटबॉल ग्राउंड है। फिर उसके बाद हम गए नहीं, दूसरा और एक ग्राउंड था जिसपे अभी काम चल रहा है हमारा, वो इसलिए मैं वहाँ नहीं लेके गया आपको, और वो लंबा छलना था हमारे लिए। ये गर्ल्स हॉस्टल, ये हमारा इधर साइड में जो है ये गर्ल्स हॉस्टल है, एक साइड में बॉयज़ कुछ ही रहते हैं, यहाँ ज़्यादा बॉयज़ नहीं, बॉयज़ तो दूसरे साइड में, मेनली ये गर्ल्स का है। यहाँ गार्ड वार्ड रखा जाता है गर्ल्स के लिए प्रॉपर, नाइट के लिए अलग गार्ड रखते हैं हम, डे के लिए अलग गार्ड रखते हैं, फुल प्लस कैमराज यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए होते हैं। तो ये सारा जितना भी एरिया है ये आउटडोर जैसे गेम्स होती हैं, जैसे ये स्प्रिंटिंग करते हैं हम, आउटडोर स्प्रिंटिंग के लिए लगाया हुआ है। ये जो अब टाइल देख रहे हैं रबर टाइल है, ये नॉर्मल मैटिंग नहीं है या नॉर्मल टाइल नहीं है, रबर की फ्लोरिंग है पूरा एक एंड से दूसरे एंड तक। तो ये जो 150 मीटर है, 150 मीटर में रबर फ्लोरिंग की गई है, ध्यान रखते हुए पूरा बनाया। हाँ हाँ, ये स्पोर्ट्स को मद्देनजर में रखते हुए ये सारी फैसिलिटीज बनाई गई हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हर तरीके से वो सारी चीज़ें जो प्लेयर्स को, एक प्लेयर्स को ज़रूरत होती है वो सब कुछ दिया गया है। और इसके आगे हम चलेंगे, अब ग्राउंड देखेंगे वहाँ पर किस तरीके से, किन किन प्लेयर्स को किस तरीके से ग्राउंड है, वो अगले वीडियो में हम वही देखेंगे। आपने जो प्लेग्राउंड देखा, तमाम जो बच्चे खेल रहे थे, उन सारे ग्राउंड्स के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, ऑनर हैं, और ये बच्चों को किस तरीके से हर तरीके से सुविधा मुहैया करा रहे हैं, उन्हें खेलने के लिए कुछ उन्हें और प्रेरित कर किया जा सके, उनके माता पिता को प्रेरित किया जा सके ताकि बच्चे और खेल में आए, क्योंकि बहुत बार माता पिता के प्रेशर के कारण बच्चे खेल में नहीं आ पाते, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे?
नहीं, सिनारियो बदल रहा है। आजकल के पेरेंट्स बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना चाहते हैं। पहले ये पिछले 10 सालों में बहुत चेंज आया है माइंडसेट में पेरेंट्स के। वो चाहते हैं बस, अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों को फैसिलिटी और वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड की जाए। तो हमारी एक यही कोशिश है कि जो हमारा बंकर हिल नई सेंटर बनाया है स्पोर्ट्स क्यूब के थ्रू, हमारा एक फाउंडेशन है। हमारा फाउंडेशन ऐसे ही जो टैलेंटेड एथलीट्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, अपने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में लाते हैं और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, जब सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहते हैं, इट्स ऑल अबाउट 360 डिग्री ट्रेनिंग। तो हम उनका फिटनेस से लेकर, उनका फूड से लेकर, स्टे और स्किल ट्रेनिंग, वो सारा एक ही सेंटर में प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि यहाँ पर खेल के साथ साथ उन्हें अगर किसी भी तरीके से चोट आती है उसकी भी पूरी तरीके से ध्यान रखी जाती है और उन्हें दोबारा से स्वस्थ करके दोबारा से उन्हें खेल के मैदान में उतारने के लिए यहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, उनके हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जाता है। और फाइनली हम प्ले ग्राउंड में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप बताइए इसके बारे में, और ये प्ले ग्राउंड जो है ये इतना ही जितना दिख रहा है इतना ही है या और भी है? नहीं नहीं, ये जस्ट हमारे कुछ नेट्स है, इनमें हमने आज पानी, आप देख रहे हैं पानी लगा हुआ है, आज इनका रेस्ट डे है। तो ये सीमेंट ट्रैक पे है, ये बच्चे बस यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं अलग से, आज इनका ऑफ है। आज क्या होता है कि लोड मॉनिटरिंग की जाती है हर प्लेयर की, कि बॉडी कितना लोड ले सकते हैं हर बॉडी, क्योंकि इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए, कि इनकी इंजरी ना हो, तो उसके लिए एक लिमिटेड प्रैक्टिस होती है सब चीज़, उसके लिए लोड मॉनिटरिंग की जाती है हर प्लेयर की। तो उस हिसाब से इनका जो है आज ऑफ है, आज जो है डे ऑफ है इनका लड़कों का। तो ये अलग से कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये देख रहे हैं हमारे ऊपर साइड के सारे नेट्स है, क्रिकेट नेट्स, फिर अंदर ये इधर में टाइकोंडो है हमारा, जहाँ पे हमारे ऑलरेडी कुछ बच्चे इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट करे, कुछ गोल्ड है, सिल्वर मेडल है हमारे पास। और इस बार भी होपफुली हमारे एक दो बच्चे जो इंडियन ये ओलंपिक्स के जो रेस में है, कि ओलंपिक्स को क्वालिफाइंग करने के लिए कोशिश में लगे। ये हमारा, आप इसको देख दिखा सकते हैं, टैकोंडो है हमारा एकेडमी, पीस टैकोंडो हर तरीके के जो स्पोर्ट्स हैं उसमें आप लोग भागी जी जी जी, ये पीस टैकोंडो के नाम से हमारी एकेडमी अंदर। आज इनका भी ऑफ है, तो हो ये आज संडे की वजह से हमारा ऑफ रहता है। हाँ, ये बंद है आज हमारा ग्राउंड। हाँ जी, ये इधर साइड से राइट साइड में आप देखेंगे, ये हमारे बच्चों का कैंटीन है लड़कों का, यहाँ पे इनका डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे डाइन करते हैं बच्चे हमारे सारे। तो एक कैंटीन है यहाँ पे, इनका लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब यहीं सर्व होता है। फिर हम यहाँ राइट साइड में अगर आप देखेंगे, ये ग्राउंड है, हम वहाँ से जाएंगे, यहाँ से थोड़ा बंद है, उधर साइड से आते हैं। अच्छा, इसका गेट अलग है? हाँ जी हाँ जी, इसका क्योंकि यहाँ के बॉल आते हैं, यहाँ लोग बैठे रहते हैं। तो हमें नेट्स लगाना पड़ा इसमें यहाँ पे। जी जी, ये क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पे नेट्स, नीचे भी नेट्स हैं। यहाँ पे बच्चों को ओपन नेट्स किया जाता है, फिर उसके अलावा ये प्रैक्टिस भी यहाँ पे करते हैं इस ग्राउंड में। और ये मैचेस भी होते रहते हैं, कुछ टूर्नामेंट चलते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है यहाँ पे। छोटे बच्चों को बाहर से आते हैं यहाँ पे, टूर्नामेंट खेलते हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पे अंडर 17, अंडर 14 के ऑस्ट्रेलियन टीम आई थी यहाँ हमारे यहाँ, उन्होंने यहाँ मैच कुछ हमारे साथ खेले, हमारे बच्चों के एकेडमी के साथ में। सो ये फैसिलिटी है, वो बच्चों का बैठने का है प्रॉपर, वहाँ शॉवर है, सब कुछ है, जैसे टीम बाहर से आती है कुछ भी है तो वहाँ पे नहा लेते हैं, जो भी है वॉशरूम में सब कुछ है। और ये हमारा ग्राउंड है, राइट साइड में आप देखिए नेट्स हैं, और हमारे यहाँ पे 5 नेट्स बने हैं, और यहाँ पे भी हाँ जी प्रैक्टिस करते हैं, एकेडमी प्रॉपर चलती है यहाँ बच्चों की। आज ऑफ है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आज ऑफ है इसीलिए आपको बच्चा नहीं दिखा, इनको अलाउड नहीं है। जिस दिन ऑफ है हम इनको कोशिश करते हैं, हम इनको बोलते हैं अब रेस्ट करें, अब बाहर ना घूमें। तो हमारा इसमें बड़ा ध्यान रहता है कि बच्चे उधर इधर ना निकले, अगर इनका रेस्ट डे है ये रेस्ट प्रॉपर करे, ये सो जाए, पूरी नींद करे अच्छे से। तो अभी थोड़ी देर में, वैसे भी धूप है, वैसे भी आज दिन में नहीं बाहर रहते, शाम को अब थोड़ा आएंगे। खाने का टाइम इनका समय है 8 बजे का, 8 से 9 बजे तक इनका डिनर होता है। तो हम चाहते हैं फिर ये जल्दी खाना खा के एकदम सो जाए, ताकि सुबह जल्दी उठे, फिर ट्रेनिंग करे, स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग, उसके बाद अपना जैसे फुटबॉलर फुटबॉल प्रैक्टिस करते हैं, क्रिकेट वाले क्रिकेट करते हैं। एक जो ग्राउंड उधर जो हमने देखा ये बीच में जो है, उसके बाद एक और ग्राउंड जी, वो फुटसॉल है। फुटसॉल एक छोटा सा एक फुटबॉल का ही ग्राउंड होता है, जिसमें एक तरीके का
छोटा फुटबॉल खेला जाता है उसको बोलते हैं फुटसोल। फिर इसके पीछे ये हमारी जो बिल्डिंग है ये हमारा हॉस्टल है बच्चों का सारा, जो जहाँ से टैंकियाँ दिख रही है। इसके बाद हमारा दूसरा एक ग्राउंड है जो फुटबॉल के लिए है, और फिर और एक ग्राउंड है जो क्रिकेट का है हमारे पास। अराउंड जैसे मैंने आपको बोला हमारे पास जो ये फैसिलिटी है अराउंड 14 से 20 एकड़ में टोटल फैसिलिटी हमारी, जिसमें हम और कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जितना स्पोर्ट्स हम यहाँ ला सकते हैं उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाए, जितना भी बेस्ट हम इंडिया के लिए। एक्चुअली एम जो है ना, ड्रीम जो है, ख्वाब जो हमने देखा है वो ये देखा है कि हमें इंडिया के चैंपियंस तैयार करने हैं। पैसा आना है जाना है वो आता है, ठीक है वो, ठीक है वो, दैट्स अ पार्ट। बट अभी हमारा जो है पर्सनल जो है वो है कि हमें निकालना है, गोल्ड चाहिए इंडिया के लिए, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल में हो, एशियन गेम्स में हो, चाहे वो ओलंपिक लेवल में हो, हमारा ये एम है। इसीलिए हमने पहले भी आपको बोला हम तैयार हैं, अगर आप में हिम्मत है, टैलेंट है, आप हमारे पास आइए, हमारे कोच साहब को स्क्रीनिंग करेंगे, हम आपको यहाँ ट्रेन करेंगे। बिल्कुल, तो ये है हमारा। आपको हमने ग्राउंड दिखाया और सब कुछ दिखाया, और इसका बता रहे हैं जिस तरीके से ना सिर्फ यहाँ पे पेशेंट ट्रीट किए जाते हैं बल्कि इंडिया के लिए चैंपियंस तैयार किए जा रहे हैं, और वो भी हर क्षेत्र में, खेल के हर क्षेत्र में भारत के को ज़्यादा से ज़्यादा मेडल मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पदक ला सके भारत, इसके लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है। और अगर उन्हें इंजरीज आती हैं, चोटें आती हैं, तो उसके लिए डॉक्टर्स तैयार है, एक्सपर्ट तैयार है उन्हें ठीक करके दोबारा मैदान में खड़े करने के लिए। इस पूरी बातचीत पर, इस पूरी वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।